खबर नू से है। नू के सलंबा गांव के मोड़ पर ओवरलोड डंपर ने कई लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में एक बुजुर्ग और बच्चे की मौत हो गई जबकि 8 से 10 लोग घायल हुए। ओवरलोड डंपर पुलिस के डर से पहले अमेजॉन कंपनी के बस से टकराया और फिर लोगों को कुचलता हुआ दीवार से टकराकर रुक गया। घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे डीएसपी ने बताया कि ओवरलोडिंग डंपर के ड्राइवर को शक था कि पुलिस उसका पीछा कर रही है, इसलिए वो तेज गति से डंपर चला रहा था जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना को अंजाम देने वाला प्रशासन है, ये कोई इत्तेफाकन घटना नहीं हुई। एक गाड़ी को रोकती है, गाड़ी में वीपन यूज करके उसको एक्सीडेंट करके फिर इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है, तो प्रशासन को तो खुद ही इस बात पर आकर के संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि करीब पूरे गांवों को यहां बैठे हुए 6-7 घंटे हो लिए और अभी तक कोई आला अधिकारी, एक डीएसपी को छोड़ करके और एक गैर जिम्मेदार बीडीओ को छोड़ करके, यहाँ कोई आला अधिकारी ने लोगों को इस तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया। मरने वालों को जिसके कोई सांत्वना मिले या उनको किसी तरह की आगे की कोई आश्वासन मिले, इस तरह की कोई अभी तक प्रशासन की तरफ से आश्वासन नहीं दिया गया। और हम जो तमाम लोगों ने ये तय किया है कि पुलिस की जो इजाजती हैं दिन प्रतिदिन जो मेवात में एक मेलाफाइड इंटेंशन के तहत की जाती हैं, बाइस्ड होकर के जो ये कार्रवाई की जाती है पुलिस प्रशासन के द्वारा, उसके खिलाफ मेवात की जनता संघर्ष करने के लिए मजबूर हो रही है। आज इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता कि हमारे सामने दो हमारी जवान मौतें पड़ी हुई हैं। अभी तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन में यही आया है, फिरोजपुर जिरका की तरफ से एक डंपर जिसमें रोड़ा भरा हुआ था और वो इधर गुड़गांव की तरफ जा रहा था, आगे कोई बलैरो गाड़ी चल रही थी। हो सकता है ड्राइवर ने ये सोचा भी ये पुलिस की है, उससे डरते एकदम राइट साइड में सलंबा गांव की तरफ मोड़ दिया जिसमें उसकी चपेट में एक बस और एक ट्रैक्टर आ गया, दो मौके पर एक्सपायर हो गए, 8-10 हैं वो इंजर्ड हैं। दो डेड बॉडी तो मौके पर ही है। गांव वाले 5-7 अपना सलाह मशवरा करे, उन्होंने टाइम मांगे 10 मिनट में, हम सारी डिस्कस करके और डीसी साहब और एसपी साहब से भी हम बात करके और लिख के देंगे, हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं।